मैं यहाँ डेनियल क्रीक के कैंपेन शूट के लिए आया हूँ। जम्मू मैं पहली बार आया हूँ। हम लोग देश भर घूमते हैं पर जम्मू ज़्यादा आना नहीं होता, पर आया भी बहुत गलत टाइम पे हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी है और हम मुंबई वालों को इतनी ठंडी की आदत नहीं है। मैं देख रहा हूँ आप सब लोग ऑलरेडी जैकेट्स में हो और मैं ऐसे काँप रहा हूँ, पर इट्स अ लवली सिटी, बहुत प्यारा शहर है आप लोगों का। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है तो खुला आसमान बहुत दिखता है। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आपको शॉकिंग लगेगा, पर हम मुंबई वालों के लिए यही है कि स्काई स्क्रेपर्स नहीं दिखते यहाँ, प्रदूषण बहुत कम है, फॉग बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पुरानी हिंदी फिल्म देख रहा हूँ जिसमें धुंध है, जिसमें ठंडी है, जिसमें छोटी छोटी इमारतें हैं। सो इट्स ए ब्यूटिफुल सिटी एंड द मोर देन दैट द पीपल ऑफ जम्मू आर वेरी लविंग। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। कल मैं यहाँ आया, जम्मू का कोई मुझे इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पर कि जम्मू का कोई मुझे एयरपोर्ट पे मिला। ही वॉज अ फैन एंड ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस और घर ले गए उन लोग, और मुझे रिश्ता रिश्ता और तड़म 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 सॉरी 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 मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो रिश्ता और कड़म खिलाया। तो इतने प्यारे लोग हैं, वो मुझे जानते भी नहीं थे, दे आर जस्ट माई फैंस फ्रॉम बिग बॉस हु टुक मी होम, ट्रीटेड मी फॉर डिनर। सो आई लव दिस सिटी एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी इन दिस सिटी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई एम वेयरिंग साहिल कुरैशी राइट नाउ एंड हैज बीन स्टाइल्ड बाय मोहित एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। पॉल इज शूटिंग ऑल ऑफ अस, सो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर थोड़ा राजा महाराजा जैसा फील होता है क्योंकि आम जिंदगी में हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड द शूट इज गोइंग वेल। द किड्स हियर आर वेरी टैलेंटेड। मैं पहली बार जम्मू के मॉडल्स के साथ शूट कर रहा हूँ, सो द एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड। जम्मू के मॉडल्स के साथ शूट कर रहा हूँ, दे वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड, दे आर फ्रॉम ग्रूमिंग स्कूल एंड मैं इनमें बहुत ही अपना बचपन देखता हूँ, तो मैं बहुत मजाक कर रहा हूँ इन सबके साथ क्योंकि मैं भी कहीं ऐसा ही था व्हेन आई वन ग्लैड रैक्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है द वे दे लुक अप टू मी, दे वे दे ट्राई टू लर्न सिंपल थिंग्स अबाउट मॉडलिंग, सिंपल थिंग अबाउट पोजिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लगता है जब आप ऐसे बच्चों के साथ काम करते हो और आपको एक्चुअली मुझे इनसे प्रेरणा मिलती है कि दे आर सो हार्ड वर्किंग। के लिए क्या मैसेज है ताकि वो बॉलीवुड तक जो यहाँ से वो शुरुआत कर सके? बहुत लोग बॉलीवुड, हमारा पॉपुलेशन 150 करोड़ का है और बॉलीवुड हमारी जान है। अगर इंडिया दिल है तो बॉलीवुड उसकी धड़कन है। हम शाहरुख और सलमान के, वैसे आज सलमान सर का बर्थडे भी है तो हैप्पी बर्थडे सलमान सर एंड मे यू हैव एन अमेजिंग लाइफ एंड आई एम विशिंग यू फॉर फ्रॉम जम्मू एंड होप ऑल ऑफ जम्मू विशेज यू एंड विशेज वेल फॉर यू ऑन योर बर्थडे। तो बेसिकली हम सलमान शाहरुख आमिर अक्षय के दिल में बसते हैं एंड यहाँ से जो बच्चे हैं जो फिल्में में या टेलीविजन में या बिग बॉस में, अभी बहुत सारे लड़के हैं, एक अभी एक लड़का नाम याद नहीं है मुझे, उसने मुझसे कहा कि माई ड्रीम इज़ टू गो इन टू बिग बॉस। तो मैंने कहा यार बिग बॉस इज़ जस्ट अ शो, आपका ड्रीम और बड़ा बनाइए, बिग बॉस इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म, बिग बॉस आपको काम नहीं देता नाम देता है, तो आप अपने ड्रीम्स को बड़ा बनाएं। तो जो जम्मू के बच्चे हैं लाइक इन माय सीजन देयर वाज उमर फ्रॉम जम्मू, उससे पहले असीम वाज देयर फ्रॉम जम्मू, तो जम्मू के जो बच्चे हैं वो ये गांठ बांध ले कि इट्स नॉट एन इजी जर्नी बिकॉज यू आर नॉट इवन फ्रॉम मुंबई, तो आपके लिए थोड़ा सा और मुश्किल होगा, तो अपनी कमर कस लें, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए और सबसे इम्पोर्टेंट बात हैव पेशेंस। आजकल के बच्चों में मैं देखता हूँ कि पेशेंस की बहुत कमी होती है। दे वांट एवरीथिंग ऑन एन इंस्टेंट, दे वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट, तो उनके उनमें पेशेंस की बहुत कमी है। तो प्लीज हैव पेशेंस, वर्क हार्ड एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। सर अभी आप जम्मू में रुकेंगे, जम्मू एक्सप्लोर करने का कोई मूड है आपका? मैं कोशिश कर रहा हूँ कल वैष्णो देवी जाने की क्योंकि मेरा फ्लाइट आज ही शाम का था। अगर ट्रस्ट मी, अगर मेरा फ्लाइट होता आज तो शायद हम ये बाइड भी नहीं कर पाते बिकॉज मेरा फ्लाइट वॉज एट 8 o'clock टुडे जो कैंसिल हो गया है फॉग की वजह से। तो मैं अंदर से थोड़ा डरा हुआ भी हूँ कि क्या मैं, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, मेरे माई फैमिली इज़ वेटिंग फॉर मी और जम्मू का फॉग देख के थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि क्या मैं अपने घर वालों के पास पहुँच पाऊँगा। तो कल यहाँ ही हूँ तो आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट माँ वैष्णो देवी। तो मैं कोशिश करूंगा कल वैष्णो देवी जाऊं और माँ से प्रार्थना करूं कि मैं आपके पास आया हूं, लेट द न्यू ईयर बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, ये जो कोविड का खतरा फिर से मंडरा रहा है हम सबके सर पे वो हट जाए, टल जाए, आने वाला वर्ष जो है सबके लिए शुभ हो।
और मैं मुंबई पहुंच जाऊं ये भी बोलूंगा।